अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है myBharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूँ। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी, सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत।